तो देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर जूस एंजॉय कर रही हूँ और मेरी बेटी बैठी हुई है, वो खाना खा रही थी और मैं जूस पी रही थी खाना खाने के बाद। देखिए ये माज़ा वाला जो जूस होता है ना, माज़ा मैंगो का, ये वो वाला जूस है, तो मुझे काफ़ी पसंद है और हमारे घर में सभी लोगों को पसंद है ये माज़ा मैंगो जूस और रूह अफ़ज़ा जूस, ये बहुत पसंद है हम सबको। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज का आपका दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायक बीते, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज है 21 अप्रैल और आज फ्राइडे का दिन है, तो आज मैं छुट्टी पे हूँ, तो घर पे हूँ आज। तो आज मुझे कुछ थोड़ा सा किचन का मेकओवर करना था, तो वॉलपेपर वगैरह लगा लिया है, थोड़ा सा कुछ पेंट करना है तो वो बाकी है, तो वो मैं करने जा रही थी। तो चलिए, अब वॉलपेपर तो लग गया है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। और पेंट हो रहा है, तो पेंट होने के बाद मैं पूरा मेकओवर किचन का आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए, मिलती हूँ मैं थोड़ी देर से। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 21 अप्रैल है और आज सिविल सर्विसेज डे है, तो मैं आप मध्य प्रदेश के सभी सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स को मैं सिविल सर्विसेज डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। हैप्पी सिविल सर्विसेज डे, थैंक यू। तो देखिए, आज है ना, मैंने किचन का थोड़ा सा रेनोवेट कराया है, तो यहाँ पे मैंने वॉलपेपर लगवाया है और यहाँ की पुताई भी हो गई है, तो ये वाइट डिस्टेम्बर हम लोगों ने लगाया है ऊपर छत में और थोड़ी सी जगह में था। तो ये देखिए, पंखा बस साफ़ करना बाकी है और ये देखिए, तो इस तरह से मेरा ये किचन अभी थोड़ा सा मेकओवर करना था किचन का, तो मैंने कर लिया है और ये सफाई भी हो गई, बट थोड़ा सा अभी डेकोरेशन बाकी है। तो जैसे जैसे मैं डेकोरेट करूँगी, वैसे वैसे मैं किचन का अपडेट आप लोग को दूँगी और आप लोग को वीडियो बना के बताऊँगी, आपको वीडियो और फ़ोटो भेजूँगी। और ये देखिए, वॉलपेपर मैंने, मुझे ना वाइट ब्रिक्स चाहिए था, तो वाइट ब्रिक्स वाला वॉलपेपर मैंने लगवाया है, तो देखिए, और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से बहुत पेंडिंग पड़ा था, तो मैं जब भी इनको बोलती थी कि ये करना है तो ये टाल देते थे, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेती हूँ, आज छुट्टी पे हूँ तो। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। आज का आपका दिन बहुत शुभ, मंगलमय, आनंददायक, स्वास्थ्यवर्धक और आरोग्यदायी बीते, ऐसे में ईश्वर से कामना करती हूँ। तो आज है 22 अप्रैल, शनिवार का दिन है, आज अक्षय तृतीया है। तो अभी मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जा रही हूँ, वहाँ से आकर फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एक पार्क है, तो मैं यहाँ पर 2 मिनट के लिए बैठी हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक कर ही रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है इस पार्क में बैठने में, और आज है ना बादल बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। हेलो फ्रेंड्स, तो आज अक्षय तृतीया के मौके पर मैंने अभी देव पूजा कर ली है
और देखिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को, मेरे पास चांदी की लक्ष्मी जी हैं तो उनको मैंने हल्दी कुमकुम लगा के पूजा किया, और मेरे पास एक मंगलसूत्र था सोने का तो उसकी भी पूजा की, क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन सोना या चांदी दोनों की पूजा की जाती है, तो सोने का पूजा करना बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो इसलिए मैंने अभी सोने के मंगलसूत्र की पूजा की है। देखिए ये है लक्ष्मी जी चांदी की, और इसको हल्दी कुमकुम लगा के मैंने पूजा किया, और ये मंगलसूत्र तो इसकी मैंने पूजा की आज। तो इस तरह से मेरी पूजा आज हो गई है। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 22 अप्रैल है, आज ईद है, तो आज देश भर में हमारे पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। तो मैं ईद के मौके पर आप सभी लोगों को ईद की शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से ईद मुबारक। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज 22 अप्रैल है, आज अक्षय तृतीया का दिन भी है, तो ईद और अक्षय तृतीया दोनों आज त्यौहार है, तो मैं आप लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी लोगों को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएँ और बधाई। थैंक यू। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, तो आज है नेक्स्ट डे, आज अक्षय तृतीया का दिन है, और मेरी पूजा हो गई है और सब कुछ हो गया है, खाना वाना भी हो गया है, बन गया है, मतलब खाना बाकी है बस। तो इनकी रोटी बनाती हूँ मैं, पूड़ी खीर और आलू की सब्ज़ी बन गई है, केवल इनकी रोटी बनाना बाकी है, तो इनकी रोटी सेकने में जा रही हूँ अभी, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए ईद के टाइम में मैंने पूड़ी बनाई है और ये सेवई की खीर बनाई है। ईद हो और सेवई की खीर ना बने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने ये खीर बनाया है बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डालकर, और ये आलू की सब्ज़ी है, ये देखिए ये आलू की सब्ज़ी, और ये मैंने अपनी बड़ी बेटी को थाली परोस कर दी, तो आज उसने बहुत बहुत अच्छे से खाए। और देखिए टीवी में फिल्म आ रही थी, टीवी में ना फिल्म आ रही थी नवरंग, ये इतनी अच्छी मूवी है कि ये जब भी टीवी में आती है हम लोग देखने इसको बैठ जाते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। तो ये गाना हो रहा था, अरे जा रे हट नटखट, न छूले मेरा घूंघट, पलट के दूंगी आज तुझे गाली रे। तो ये होली के मौके पर ये गाना अक्सर बहुत सुनाई देता है और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो ये गाना इतना फेमस है ना फिल्म इंडस्ट्री में, इसे वी शांताराम जी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म में देखिए संध्या, ये उनकी वाइफ है, ये दिखाई दे रही है, और इसमें हीरो जो है वो है महीपाल। तो ये दोनों जन देखिए कितना अच्छा, मतलब इतनी क्लासिक मूवी लगती है ना मुझे, ये पुरानी फिल्मों में से सबसे बेस्ट मूवी मुझे शांताराम जी की यही लगती है। और दो आंखें बारह हाथ, ये तो दो फिल्में मैं हमेशा देखना पसंद करती हूँ, और वी शांताराम जी ने इसे कितना अच्छे से फिल्माया है ना, उस टाइम में उस दौर में ये गाना इस तरह से फिल्माना कितना मज़ेदार है, कितना अमेजिंग है। ये उनके दिमाग में ये कैसे आया ना कि इस गाने को इस तरह से फिल्माया जाए, और हीरो हीरोइन दोनों, हीरोइन ने एक तरफ मेल और एक तरफ फीमेल, दोनों उसने इस तरह से गेटअप किया है अपना मेकअप में, और इतना अच्छा कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किया है, इतना अच्छा उनका जो ये कॉन्सेप्ट था ये मुझे इतना अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छी फिल्म है। तो मैंने इसको शूट कर लिया, हम लोग देख रहे थे थोड़ी देर तक, और ये बहुत ही यादगार और बहुत ही मज़ेदार मूवी है। उस ज़माने में भी इस तरह की मूवीज़ बनती थी, ये तो बहुत ही अमेजिंग लगा मुझे। और ये भी एक गाना है, आधा है चंद्रमा रात आधी, रह न जाए तेरी मेरी बात आधी। तो ये गाना मेरा एकदम इतना फेवरेट गाना है ना, मैं हमेशा इस
इस गाने को मैंने 2-3 बार गाया है, स्टार मेकर पे भी गाया है, और वैसे भी मैं हमेशा इसको गाती रहती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी ये फिल्म और गाने बहुत ही पसंद है। तो देखिए ये हीरोइन देखिए कितने सारे मटके एक के ऊपर एक रख के इस फिल्म इस गाने को शूट करना, और इस गाने को उस ज़माने में इस नए अंदाज़ में पेश करना, ये तो सिर्फ वी शांताराम जी के दिमाग का ही वो कहना चाहिए कि कितना अच्छा उनका सोच था और कितनी अच्छी उनकी वो थी मूवी को किस ढंग से उनको प्रोड्यूस करना है और डायरेक्ट करना है, ये तो आने वाली पीढ़ियां उन्हीं से सीखी हैं ऐसा मैं मानती हूँ। और ऐसी फिल्में आजकल देखने को नहीं मिलती हैं, अब तो ये नया दौर आ गया है, और नए दौर में तो हमें नई फिल्में भी अच्छी लगती हैं, बट पुरानी फिल्मों का तो कुछ मतलब कोई सानी ही नहीं, इस फिल्म का कोई जवाब ही नहीं कि ऐसे डायरेक्टर उस समय हुआ करते थे, और उनमें से एक है वी शांताराम जी। तो बहुत ही मज़ेदार मूवी लगी मुझे। हाय फ्रेंड्स, तो आज का मेरा सब काम हो गया है, और शाम को मैं सोकर उठने के बाद दोपहर में थोड़ा आराम कर लिया था, उसके बाद उठकर मैं कॉफ़ी वगैरह पी लिया था, और थोड़ा सा खाना ज़्यादा नहीं बनाना था, बस रोटी बनानी थी मुझे और चावल बनाना था, तो बस इतना सब करके, और अब सबका खाना वाना हो गया है, मेरा भी अभी हुआ है, काफ़ी लेट हो गए हैं, अभी तो रात के 12 बज रहे हैं और मुझे नींद नहीं आ रही है, तो मैंने सोचा ब्लॉग एडिट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर एक स्टार मेकअप पे गाना गाऊँगी और उसके बाद फिर मैं सोऊँगी। तो चलिए मैं आज का व्लॉग आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कॉमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, बाय बाय।